वरिष्ठ चिकित्सा इकाई द्वारा अस्थमा और हृदयाघात जैसे विषयों को लेकर पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश में अस्थमा की स्थिति, कारण और बचाव के उपायों के बारे में जानकारी दी गई। पत्रकार वार्ता को जीएमसी के प्रोफेसर डॉक्टर निशांत श्रीवास्तव ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हर लंबी खांसी को अस्थमा नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि रोगी को पहले टीबी की जांच करवाने के साथ ही पूर्ण रूप से ठीक होने तक नियमित दवाइयां लेने की जरूरत है। चिकित्सकों ने नियमित व्यायाम और योग को अपनाने की भी सलाह दी। यह कि हमारा भविष्य जो कि बच्चों में निहित है, इन बच्चों में अस्थमा के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आज की डेट में भी लोग सार्वजनिक वाहनों से दूरी बनाना चाहते हैं, लोग अपने खुद के वाहन इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए सड़कों पर व्हीकल बर्डन बढ़ता जा रहा है, जिससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है। पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से ये समस्याएं बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रही हैं। दूसरी एक बड़ी समस्या, आजकल अभिभावक एडल्ट्रेट फूड खिलाने के पीछे काफ़ी जोर देते हैं। बाहर की चीज़ें, बटर, जैम, घर की बनी हुई चीज़ों का प्रयोग अब कम होता जा रहा है। जो बाहर की चीज़ें हम डब्बों में खरीद के लाते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि उनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। ये प्रिजर्वेटिव्स कहीं ना कहीं से इस एलर्जी और अस्थमा की दिक्कत को बढ़ाना शुरू करते हैं। इन टोटैलिटी ये सारी चीज़ें मिलकर आजकल हमारी ओपीडी में दिखने लगी हैं। जो बच्चे हमारी ओपीडी में पिछले 3-4 साल पहले 10 से 15 आते थे, निश्चित रूप से उनकी संख्या 5-10 बढ़ चुकी है। और सबसे गंभीरता वाली बात ये है कि बच्चों में गंभीर अस्थमा के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिन पे दवाओं का रिस्पॉन्स उतना बढ़िया नहीं मिल रहा। और आइए अब देखते हैं बुलेटिन में 3 मिनट में 10 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में होगा चंबल एक्सप्रेसवे का निर्माण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की केंद्रीय भूतल एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात। निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्गों के काम को गति देने का किया आग्रह। मध्य प्रदेश आगामी 3 मई को विधानसभा से पारित करेगा जीएसटी विधेयक। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात कर दी जानकारी।